मित्रों, दिल्ली के अंदर एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है। जब ये दुर्घटना हुई तो इसका जो इम्पैक्ट था वो उतना बड़ा नहीं था, और उस वक्त मुझे लगा कि घटना तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन कई बार जब लोकल स्तर पर कोई घटना होती है तो उसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित होता है, और इसी वजह से पूरे देश का उसका एक राष्ट्रीय महत्व समाचार का रह नहीं जाता। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो घटना है ये इतनी बड़ी होती जा रही है और ये मामला इतना बढ़ता जा रहा है, इस मामले को लेकर के पूरे देश के अंदर जो आक्रोश देखा जा रहा है उसको देखते हुए समझते हुए मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को बनाना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की। मित्रों, दिल्ली के अंदर जब से अरविंद केजरीवाल एज अ मुख्यमंत्री तिहाड़ के जेल के अंदर गए हैं, तब से दिल्ली का जैसे कोई मालिक ही नहीं है। दिल्ली में कोई भी हादसा होता है तो बस एक आतिशी मरलिना आती हैं, जवाब करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, और अरविंद केजरीवाल को बचा लेती हैं, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को बचा लेती हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को बचा लेती हैं, सोचती हैं कि जो है कोई बात नहीं है, आगे देखा जाएगा। इस तरह के दुर्घटना आखिर कब तक होती रहेगी और कब तक जो है वो आतिशी मरीना आकर के जिम्मेदारी लेती रहेंगी? देखिए मित्रों, आम आदमी पार्टी के ऊपर जो देश में गुस्सा इसलिए फूट रहा है और जो पूरा आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम है, जो उसकी लश्कर मीडिया है, उसको भी इस समय एक्सपोज करना, उसको पर्दाफाश करना इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब लगातार अपनी बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दे रही है। मित्रों, मामला क्या है थोड़ा संक्षेप में आपको बताता हूँ, इसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। दरअसल दिल्ली में जो ओल्ड राजेंद्र नगर इलाका है वहाँ पर एक कोचिंग सेंटर था, जहाँ पर कि बेसमेंट जो था उस बेसमेंट में पानी भर गया। सीवर के अंदर जो नाले थे वहाँ जो पानी जाना चाहिए था बारिश का, वो पानी बारिश का बहा नहीं, पानी रिवर्स फ्लो कर गया, रिवर्स बैक मार गया, और इसके बाद जो पानी था जाकर सीधे बेसमेंट में घुस गया, और बेसमेंट में पानी घुसा तो बेसमेंट में भी बंद था, और यही वजह है कि वहाँ पे वो गेट नहीं खुल पाया और जो बच्चे थे वो बाहर निकल नहीं पाए। तो जो बच्चे बुरी तरह फंस गए उसमें से वहाँ 31 बच्चे लगभग मौजूद थे, लेकिन 3 जो बच्चे थे वो बिल्कुल नहीं निकल पाए वहाँ से, और उनकी वहाँ पर जो है डेथ हो गई, उनकी वहाँ पर जो है मृत्यु हो गई डूबने से। इनमें से एक तो श्रेया यादव नाम है, जो कि लखीमपुर खीरी की उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, जिनको उनके माँ बाप ने सोचा था कि उनको जो है हम IAS बनाएंगे, PCS बनाएंगे, लेकिन वो तो IAS PCS बनकर नहीं लौटी, लेकिन उनकी लाश, उनका पार्थिव शरीर ज़रूर वहाँ पर लौटा है। तो लोग गमगीन हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये खबर एक बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। तो अब इसमें मूल समस्या क्या थी? दरअसल इसमें मूल जो समस्या थी वो ये थी कि दिल्ली का ड्रेनेज सही नहीं था, यानी जब बारिश का मौसम आता है तो उसके पहले दिल्ली के सारे नाले, सारे नालियाँ, सीवर, ये सब साफ़ होने चाहिए ताकि जब पानी बरसे तो आराम से जो पानी है वो बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप सोचिए कि लगभग 1-1.5 महीने बीत गए, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी है कि 1-1.5 महीने के बाद भी इस काम को करा नहीं पाई। अब देखिए, दिल्ली में अगर देखें तो जो दिल्ली की सरकार है वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जो MCD जिसकी ज़िम्मेदारी है ड्रेनेज सिस्टम को साफ करना, तो वहाँ पर भी जो सरकार है वो सरकार अब देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार, क्योंकि वहाँ पर MCD पे अब आम आदमी पार्टी काबिज हो चुकी है। जो मेयर दिल्ली का है वो आम आदमी पार्टी का है, लेकिन देखिए कि इसके बाद भी आम आदमी पार्टी जो इस काम को ड्रेनेज के साफ करने के काम करवा नहीं सकी, और यही वजह है कि एक जो हादसा था वो धीरे धीरे लगातार अब हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो मौतें हुई पानी की वजह से, सिर्फ ये भारत ये हम देख रहे हैं दिल्ली में पहली बार ऐसा हो रहा है। और जो सोशल मीडिया पर बाइट्स आ रही, बयान आ रही हैं, उसमें तो ये लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इसमें 30-35 लोग मारे जा चुके हैं, इस तरह की जो त्रासदी आ रही दिल्ली में, लेकिन इसमें संख्या को कम करके बताया जा रहा है, जहाँ पे 30 लोग मरे वहाँ पे 3-4 की गिनती हो रही है। तो अभी आप देखिए, पटेल नगर के अंदर भी एक बच्चा जो कि एक लड़का छात्र था, युवा था, जो कि उसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी, और उसकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें कि एक लोहे का गेट था, पानी भरा हुआ था, और जो बच्चा था, जो लड़का था, वो अपना बैग लिए हुए वो उस गेट के पास उसके उसकी लाश पड़ी हुई थी, क्योंकि उसे करंट लग गया था। और ये इस तरह की 3 घटनाएं हुई। कैसे? देखिए, पहली घटना जब पहली बारिश होती दिल्ली के अंदर, जब पहली बारिश हुई
तो जब पहली बारिश होती है दिल्ली के अंदर, तो उस वक्त तो जो है जो पूरा दिल्ली में बाढ़ सी आ जाती है, तो आतिशी मलिना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये कहती हैं कि दरअसल ये जो हरियाणा से जो हथनी कुंड है, यहाँ से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, इतना पानी कभी छोड़ा नहीं गया, पानी जानबूझ के छोड़ा जा रहा है और इसी वजह से जो है यहाँ पे दिल्ली बाढ़ में डूब गई है। यानी तब उन्होंने सारा जो इल्ज़ाम था वो हरियाणा की सरकार पर लगा दिया। ठीक है, अब लगभग 1.5 महीने बीत चुके बारिश को शुरू हुए, लेकिन इसके बाद भी अब तक वो ड्रेनेज की सफाई नहीं हो पाई दिल्ली के अंदर, और दावे किए जाते रहे कि दिल्ली में सब हमने चंगा से कर दिया है, सब चंगा से कर दिया है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाए। अब क्या स्थिति हुई, अब लगातार हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक हादसा पटेल नगर में हुआ और एक ये हादसा जो ओल्ड राजेंद्र नगर में, ये बहुत बड़ा हादसा ही हो गया। तो अब आम आदमी पार्टी के पास जनता को चेहरा दिखाने के लिए कोई कुछ है ही नहीं, और यही वजह है कि अब क्या कर रही है वो, उसने बड़ी चालाकी से एक और हथकंडा इस्तेमाल किया। जब पहली बार ऐसा हुआ तो जब पहली बार दिल्ली डूबी बाढ़ में, पहली बारिश में, तो आतिशी मरीना ने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सारा आरोप जो है हरियाणा की सरकार पर जड़ दिया। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो है आम आदमी पार्टी के पास चेहरा दिखाने के लिए कुछ था नहीं, तो उसने बड़ी ही चतुराई से एक दिल्ली के अंदर एक जो दिल्ली सरकार की मीटिंग हो रही थी अफसरों के साथ में, उसकी मीटिंग ली, एक वहाँ पर इंटरनल जो मीटिंग हो रही थी उसमें एक किसी अफसर को, जो सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं, वो हड़का रहे थे, और वो हड़काने का जो वीडियो था, लगभग 3-4 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने खुद ही रिकॉर्ड कराया, जाहिर सी बात है कि इंटरनल मीटिंग का वीडियो और कौन रिकॉर्ड करेगा, वही रिकॉर्ड करेंगे, वही लोग रिकॉर्ड करेंगे। इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आम आदमी पार्टी ने अपने जो चंगू मंगू थे, चवन्नी ठन्नी जो उनके ट्रोल वगैरह होते हैं सब ट्विटर वगैरह पे, उनको दे दिए। इन्होंने इस वीडियो को डालना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि देखिए दिल्ली के अंदर जो बर्बादी हो रही है या दिल्ली में जो बाढ़ से जो मौतें हो रही है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है, क्योंकि अधिकारी जो है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि दिल्ली की सरकार के कहने के बाद भी, चूंकि अधिकारी जो है वो मोदी के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, इसलिए वो काम ही नहीं कर रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाया गया। और बड़ी बेशर्मी की बात है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बचाने के लिए, जो अरविंद केजरीवाल का पूरा इकोसिस्टम है, जो लश्कर मीडिया है, जो पूरा मैं जिसे कहता हूँ ना कि जो ये पूरा एक लेफ्ट लिबरल एक गैंग चल रहा है मीडिया का, जिसको कि यूट्यूब को प्रमोट भी करता है, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो आपके राजीव सरदेसाई हो, चाहे 4PM हो, चाहे वो रवीश कुमार का चैनल हो, कितने ऐसे चैनल, रवीश कुमार भी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे इसके ऊपर, तमाम ऐसे चैनल, ये सभी लोगों ने जो है एक इनके जो लोग थे, इन्होंने इस तरह के वीडियो को ट्वीट करना शुरू किया, रिट्वीट करना शुरू किया, और ये कहना शुरू कर दिया कि अरे देखो कितनी बड़ी बात है, अधिकारी बात नहीं सुन रहे, सरकार काम किसे करेगी। यानी कि आप सोचिए कि इससे पहले अगर प्रधानमंत्री, मतलब इन लोगों के लिए, इस तरह के मीडिया के लिए अगर किसी की बकरी का पेट भी खराब हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी हैं। अभी आप देखिए मुंबई के अंदर एक IS, फर्जी IS का एक मामला आया था, तो लोगों ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। कहीं कुछ भी होता है, छोटी छोटी घटना भी होती है, तो कहते हैं इसके लिए तो मोदी जिम्मेदार है, कुछ भी हो कह रहे मोदी जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अभी देखिए आप झारखंड और बिहार के अंदर जो नीट का पेपर लीक का मामला आया था, उसमें जो लोग पकड़े गए बाद में सरगना, वो सब के सब मुसलमान निकले, जिहादी निकले, लेकिन आप देखिए कि उसको भी इन्होंने कह दिया कि निशा मोदी जिम्मेदार है। तो देश में कहीं कुछ भी होता है उसके लिए इनकी निगाह में मोदी जिम्मेदार है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार पर आरोप लगता है तो फिर इनकी नज़र में जो है वो फिर अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है, फिर इनकी नज़र में जो जिम्मेदार है वो कौन है, अरविंद केजरीवाल के अधिकारी हैं, फिर दिल्ली सरकार के अधिकारी जिम्मेदार हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी कोई समझते नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है। यानी आप सोचिए, अब जो वीडियो वो रिकॉर्डिंग इन्होंने जो लीक की है उसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी पूरा जो इंटरनल वीडियो इनका लीक हुआ है आपको दिखाऊंगा मैं मीटिंग का, लेकिन आप ज़रा ये सोचिए कि ये कितने बेशर्म लोग हैं। पार्टी विद द डिफरेंस इनके अंदर क्या है अदर पार्टियों से, ये कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। और सबसे बड़ा फेलियर बारिश, एक सिर्फ मामला था, मामला क्या था, ड्रेनेज को साफ करना था, ड्रेनेज को साफ नहीं किया गया, इसलिए दिल्ली में पहली बारिश ही बाढ़ आई, तब भी नहीं चेते। दूसरी बार पटेल नगर में एक लड़की की मृत्यु हो गई, तब भी नहीं चेते। तीसरी बार अभी हादसा हुआ, अभी भी नहीं चेतेंगे, ये फिर हादसे होते रहेंगे सही। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने एक और कंधा अधिकारियों का इस्तेमाल कर लिया कि अधिकारी जिम्मेदार है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो भाई अगर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है तो तुम इस्तीफा दो, अगर तुम्हारी
ये सख्त नहीं है, अगर तुम्हारी ये टैलेंट नहीं है, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है कि तुम अधिकारियों को डील कर सको, अधिकारियों से बात कर सको, अधिकारियों से काम करवा सको, तो तुम बेकार हो, फिर इस्तीफा दो, क्यों कुर्सी पर बैठे हुए हो। जरा देखिए एक बार कि क्या वीडियो उन्होंने लीक करवाया है और क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। नरेश जी, ये हमारी एक चर्चा हुई थी कि थर्ड पार्टी ऑडिट हमें कराना है कि एजेंसीज ने डीसिल्टिंग की है नहीं की है, PWD, इरीगेशन, फ्लड, MCD, हो क्या रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं कि डीसिल्टिंग कागजों में हो रही है बड़े पैमाने पे, सबकी नहीं कह रहा मैं, हो सकता है कोई एक्सियन करा रहा हो, कोई ना करा रहा हो, मगर बड़े पैमाने पे ये डीसिल्टिंग कागजों पे होती है, ग्राउंड पे नहीं हो रही। और अगर अपने वर्कर से करा रहे हो तब भी हम कह सकते हैं कि चलिए आलस है, नहीं किया वर्कर ने, यहाँ तो टेंडर किए जा रहे हैं बाकायदा, जब टेंडर किए जा रहे हैं तो डिपार्टमेंट उसकी डीसिल्टिंग नहीं करा रहा, ये तो करप्शन है। तो इस पे थर्ड पार्टी ऑडिट का क्या है इस वक्त स्टेटस? तो देखिए मित्रों, आपने किस तरह से ये अधिकारी को हड़काते हुए वीडियो रिलीज करके अपनी जो है कुर्सी बचाने में लगे हुए अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे नेता। तो अब जरा देखते हैं कि इस पूरे मामले में जो बीजेपी की नेता हैं, सांसद हैं, बासुदी स्वराज, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं, जरा उसको भी देखते हैं। कल रात जो राजेंद्र नगर में हुआ है ये कोई हादसा नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। कुछ तिथियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं और दुर्गेश पाठक जी बहुत उदंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। 24 जुलाई 2024, पुनः बारिश होती है, राजेंद्र नगर की उसी एरिया की तस्वीर दिखा रही हूं, ये हालत होती है। ये तस्वीर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में भेजी जाती है, बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके वो सदस्य हैं, वहां पर ये तस्वीर और वीडियोस उनको बताई जाती है। पुनः आग्रह करा जाता है, निरंतर आग्रह किया जाता है कि कृपया जागिए और राजेंद्र नगर में नाले की सफाई करवाइए। हमारे इस वीडियो पर अपने विचार जरूर रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।